धुआंधार प्रचार में जुटे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंजाब में लुधियाना के पास जगराओं में फतेह रैली को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि पंजाब के साथ मेरा और गुजरात का विशेष नाता रहा है। मोदी ने ये भी कहा कि गुजरात पर हर हिंदुस्तानी का बराबर का हक है, लेकिन कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं कि गुजरात सरकार सिख किसानों के खिलाफ है। त्यागी बलिदानी गुरु परंपरा से जो शिक्षा दीक्षा पाई है और अब जो दायित्व मिला है, तो भाइयों बहनों, मैं भी एक सिपाही हूं, सिपाही, और मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं दिल्ली में, आप मुझे जो जिम्मेवारी देंगे वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं वहां चौकीदार के नाते बैठूंगा, मैं वहां चौकीदार के रूप में बैठूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कभी हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा पंजा था जो 1 रुपए को 15 पैसे बना देता था। दिल्ली में मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं चौकीदार बनकर बैठूंगा, हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार सहित तमाम नेता मौजूद रहे। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।